हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं क्रेजी नंबर वन भैया की न्यू वीडियो। बिहार का वायरल बॉय सोनू कुमार, वायरल बॉय सोनू नीतीश कुमार क्रेजी नंबर वन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, यहाँ पर आप आची वाला भाई से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस बोलेंगे बिहार सरकार माधर चोद। ये क्या बात है भाई? भाग भोसड़ी वाला, तो का हाल बा भाई लोग? उम्मीद करो तो कि अच्छा हो बोलो और हमेशा अच्छा रहे के चाहिए। तो भाई लोग, आज हम बात करे वाला बानी वायरल सोनू कुमार और हमने के बिहार के जो पेपर लीक, मतलब पेपर लीक भेल बाबे, जौन अभी चल रहा बाबे पेपर लीक के कुछ कंट्रोवर्सी ओकरा बारे में। तब भाई लोग, तो हम लोग सब ये कहो चाहे हमके वीडियो के शुरू से अंत तक ले देखिए लोग, कहें से आज के वीडियो नू कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो के अलावा। तब इन्हें कहना वाला सुन के ना स्टार्ट करो आज के वक्त। चौधरी, यही है जो बच्चा अभी YouTube पे हर जगह पे छाया हुआ है, हर जगह देखिए इसका बात सुनते हैं। गलत गलत पढ़ाई करते हैं और गलत 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 बच्चों को भी सिखाते हैं कुछ। देखिए मीडिया वाला, क्या करना है? करना काहे बे कुछ ना, बस अपने में गणमर मतलब। ए भैया जी, तू क्या कह रहा हमारे, हम निमन से सुननी है ना, तनी फिर से कहो। क्या करना है? तू करेगा उल्टा पुल्टा पढ़ा तुमको तो। अच्छा, हम तो सरवा कुछ उल्टा समझ ले रहनी, हम तो समझ ले रहनी कि मतलब कुछ और ही समझ ले रही है, मतलब तुम लोग समझ जा लो। तो भाई लोग, तुम लोग के जो माजरा बा, तुम लोग के सही से समझ में ना ले तो लोग हम समझा के बुझावे के कोशिश कर रही। तो जो हाई न्यूज रिपोर्टर बढ़न आये बढ़न सोनू के इंटरव्यू लेवे खातिर, ठीक बाबे? और ये न्यूज रिपोर्टर ये कहत रहन कि सोनू जो बाबे वायरल सोनू ये गलत सलत पढ़ावत छोटे छोटे बच्चा कुल के। बाद हाई न्यूज रिपोर्टर आ गल और आइला के बाद कहत रहन कौन चीज कि जो सोनू बाबे वायरल बॉय जो सोनू बाबे तुम सही पढ़ावत आवे, तू सर गलत पढ़ावत रहे। तो अपने में कंट्रोवर्सी कर ले बढ़न लो। तो भैया लो, तो हम लोग दोनों जना से बस हम ये कह चाहतनी कि झगड़ा करके का फायदा? ए भैया जी, तोहरे से कहते नहीं मरदे, प्यार से तनी भैया जी के समझा दो। तो अभी बीए में पढ़ते, तुमको एबीसीडी आता है? क्यों नहीं आता है? सब ए मर देता नहीं। अरे उससे पूछते तो मतलब पहले ही उदबाहे हैं क्या? आपको बोले हैं हम प्यार से समझाने के लिए, आप थप्पड़ उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस सरवा का पांटेवा खोल के गोंडिया मार दीजिए ना। मतलब भाई लोग, तुम लोग ये सोचो तो बोलो कि हम एक तरीका है कह दनी। तो भाई लोग, तुम लोग के ओकरो हमारा लगा आंसर बाबा, तुम लोग हम दिखावल चाहो एक कैमरा में तने लगाओ तो वीडियो। ऐसी भी होगा ना? पहली बात तो ये सोनू नहीं है। सी होगा ना पहले? नहीं, देखिए बच्चा गलत बना रहा है ऐसे। ए सी डी, ये कौन से स्कूल में पढ़े हैं? तू इंटरनेशनल झटिया कॉलेज से पढ़ाई कर ले बड़ा का हो? कहाँ से कौन आदमी इंटरनेशनल झटिया कॉलेज से पढ़ाई कर लनु? ओकर एजुकेशन ऐसा के रहला ना सरवा, हमारा आज तक ही समझ में ना आई कि इंडिया में कौन ऐसा का कॉलेज, कौन ऐसा का स्कूल बाबा जोना में एक के बाद डायरेक्ट सी से पढ़ाई होला। हम तो सरवा ए बी सी डी सुन ले बनी, लेकिन ये तब कहते एक के बाद सी आवेला। वाह भोसड़ी वाला वाह, मतलब तारा से न्यूज रिपोर्टर, तारा से टीचर है सनु, तो सारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के गांड मारे में टाइम ना लगी। देखिए बच्चा गलत कर रहा है। अरे सरवा कौन है कर गोनिया नहीं उड़ाई के पेलत काहे न कसर रे? अरे सरवा तो नहीं कौन है स्कूल में एक के बाद सी पढ़ाला रे, ए बी सी डी पढ़ाला। वो सही पढ़ा रहा है। कैमरा में हटाओ सर भाई, क्लिप हटाओ ना, तो तोर बच्चा है, हटाओ सर जल्दी। हाँ चलिए 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 चलिए। अरे चलिए ना आज तुम्हारा दम फाड़ देंगे दम। ए भैया जी, काथी फाड़ देंगे गाड़। मतलब रिपोर्टिंग लागल, हम तो खाली ये सुनले न्यूज रिपोर्टर मतलब रिपोर्टिंग करे जाला सन, लेकिन ई भैया जी के कहना बाबे कि हमें ये रिपोर्टिंग करी हन वह गाणफार रिपोर्टिंग। अरे सर हम तो खाली गाणफार वीडियो के नाम सुनले रहे जौन कि हम ही बनावे नहीं, लेकिन आजकल गाणफार रिपोर्टिंगो होता है महाराज। मतलब काथी मारिए, तनी फिर से एक बार बोलिए तो। रुके बिरेकवा मारिए जी महाराजा। अच्छा ब्रेक मारिए, हम तो समझे के गाँ मतलब कुछ मारिए, लेकिन मारिए करी बहन चो।
उन फ्रेश राहुल। और देख ही सकते हैं भाई कि अभी अभी जस्ट जा रहे थे स्कूल में आ गए हम, यहाँ पर स्कूल है आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज जैसे कि बीपीएससी का एक जो एग्ज़ाम था, ठीक है, दम मतलब कि क्या करिएगा, मतलब कि वायरल कर दिया है सब, पेपरवे लीक कर दिया है सब। तो ये कौन बड़ा बात है, ये तो हर एक साल होता है, एक बार हम 300 रुपया में किन ले रहे हैं। पता ही क्या बहुत फुटा रहे हैं आप। बीएससी का जो तैयारी किया था हमारे भाई ने भी, हाँ अभी फार्म मतलब गया था ये, पहले इनको डायलॉग याद करो, मुंह में लौड़ा फंस गया है कि जवान से आवाज नहीं निकल रहा है, ना कोनो तार पटक के गोनिया में पेल दिया है, सौरव तो नहीं ये लागत सलवा के लकवा मार देले बाबे। अरे सरवा जोन बोले के बताऊं, सही सही बोलना। इतना हम मतलब मेहनत करते हैं, खेत गृहस्थी में काम करके अपने भाई को पढ़ा लिखा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई हमारा भाई डीएम एम कुछ बन जाएगा। हाँ भाई इनका डीएम बन जाए, ये सारे एनओ में बैठ के गांजा पीहन, इनका भाई डीएम बन जाए, भाग सारे। चलिए यहाँ पर अपाची वाला भाई से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई जी आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस बोलेंगे बिहार सरकार माधर चोद है। वाह क्या बात है, भाग भोसड़ी वाला। और भाई लोग देखो लो, इस तरह का हम ना कर रहे, कहाँ से कहूँ, वो आदमी से हमें सख्त नफरत है, जो आदमी सर जो थाली में खाला वही में छेद कर ला। अब बताओ लो बिहार में रह के सारा बिहार के सरकार के गाली देते हुए भाई, ये तो ये गलत हो भाई, सारा सारा गलत बबे। हालांकि वीडियो स्क्रिप्टेड हुए, आदमी के एंटरटेन करे खातिर बनावल गई बबे, बट यार इतना भी नीचे ना गिरे के चाहिए कि जौन थाली में खेबो वही में हक द, वही में छेद कर दो, ओकर माई बहन सब चोद द। बताओ लो सला अपन का यार, कसम से बोलो तनी, आज तक ले ऐसा भोंसड़ी वाला और ऐसा का ज्यादा ना बोलम, ज्यादा बोलम तो माई बहन निकल जी हमारे मुँह से। देखिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस बोलेंगे बिहार सरकार माधर चोद है। ए भैया जी, और एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं, जब आप बोल रहे हैं कि बिहार सरकार डेस, तो आप भी तो माधर चोदे हुए ना, कहे से कि तू हो तो बिहार के निवासी हो, तो मत ये ना कहे के चाहिए, मतलब देखो लो कुछ कुछ बोले से पहले एक बार सोचे के चाहिए कि व्हाट आई एम सेइंग, समझ सकत रहो ना, लेकिन अब पछताइए का क्या फायदा कर, जब चिड़िया मार गई गांड, मतलब जब चिड़िया चू गई खेत। अरे भाग रे, भाग रे माधर भोंसड़ी। ए भैया जी अब रिपोर्टिंग नहीं कीजिएगा, हम तो कह रहे हैं कि माइको अपना गोनिया में डाल लीजिए, जारी और हिला हिला के पादा मतलब रिपोर्टिंग कीजिए, वही से दोबरा के तारा का पेलत रह सर हो तो नहीं, ये तो न्यूज़ कवर कर गल बड़ा सब सवाल इतने पूछा तो उनका जान झरक जाता है। भाई लोग देख लो यार आज के वीडियो ये खत्म करे तो नहीं, और भाई लोग ये वीडियो एगो बस मनोरंजन और मजाक खातिर बनावल गए रहा था, केहू अपना दिल पर ना नहीं, केहू अपना समझ सकता रहा। और भाई लोग ये वीडियो देखे तुम लोग कैसा लगल कैसा ना कमेंट करके जरूर बताइए लो, और वीडियो देखे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए लो, अच्छा ना लगे वीडियो के डिसलाइक भी कर सकता रहा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई लोग अभी तक जो चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल में प्रेस कर दिए लो, ताकि हम जब भी नोट वीडियो अपलोड करो सबसे पहले तो हमें मिल तमिल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म, और भाई बड़ी खतरनाक रिपोर्टिंग कर रहे थे वो हैं, तशरीफ फाड़ रिपोर्टिंग हद हो गई। खैर देखो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं, सभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही काम करते हैं यूट्यूब पर ज़्यादातर, है ना, और लोगों को बस मोटिवेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, है ना, तो ऐसे काम करते हैं। लेकिन फिर भी आपने एक सरकार को, डायरेक्ट सरकार को बोल दिया, है ना भाई। सरकार के कई सारे अंग होते हैं, ठीक है, उनका पूरा सिस्टम होता है, उसमें कौन करप्ट है, किसकी वजह से आपका पेपर लीक हुआ है, किसकी वजह से मतलब ये जो तैयारी होती है आपकी सालों साल की वो बर्बाद हो जाती है, इनमें बहुतों का हाथ होता है। तो डायरेक्ट सरकार को बोल देना ये चीज़ गलत होता है ना। और जो भी पेपर लीक करते हैं वो चंद पैसों के लिए पेपर लीक करते हैं, और जो लीक करवा रहा है वो उससे बड़ा गुनहगार है, ठीक है। तो प्रोवोक कौन करता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रोवोक कौन करता है, यही नौकरी पाने वाले ही तो प्रोवोक करते हैं ना, कि हाँ भाई रिश्वत दो और पेपर लीक करवाओ जो भी हो, है ना। तो इस टाइप से पेपर रद्द करवाना, पेपर लीक करवाना, ये सब बहुत सारे कांड होते रहते हैं। तो ऐसे कांडों में जितना ये जो करप्शन करप्ट अधिकारी हैं, ठीक है,
ये जितना ज़्यादा जिम्मेदार है उतना ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हाँ किसी न किसी तरीके से पेपर लीक हो जाए और हम पास हो जाएं, है ना, मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। सो ये जो रिश्वत खोर लोग होते हैं और ये रिश्वत देने वाले लोग होते हैं, दोनों ही इक्वली बराबर हैं इन सब चीज़ों के लिए। ओके सो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।